Greetings everyone, welcome back. Today we will start our subtopic algae. And our chapter name is Plant Kingdom. Introductory part हमने last video में complete कर लिया था. Last video में मैंने आपको बताया था कि अब हम algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm के बारे में पढ़ेंगे. Now let's start without wasting time. Yes. Algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic both freshwater and marine water organism. एक एक वर्ड समझ आना चाहिए बेटा. Algae are chlorophyll bearing यानी कि इसके अंदर chlorophyll pigment है. Simple structure है. क्यों? क्योंकि ना root है ना stem है ना leaves है, बस thallus body है. Thalloid मतलब thallus body. सरफेस के ऊपर बस एक बॉडी है थैलस टाइप. ऑटोट्रोफिक मीन्स फोटोसिंथेसिस अपना फूड खुद बना सकती है. लार्जली एक्वेटिक, एक्वेटिक भी दो टाइप के हैबिटेट होते हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन. मैरीन क्या होता है? सॉल्टी वाटर होता है. ठीक है. दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स. वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स से मिलते हैं. मॉइस्ट स्टोन के ऊपर मिल जाएंगे, सॉइल्स पे, वुड पे. Some of them also occur in association with fungi and animals. यानी कि association में भी रहते हैं, symbiosis में भी रहते हैं. जैसे कि हमारे पास very famous example lichen, composite organism है ये. यानी कि इसमें एक part fungus का होता है तो दूसरा algae का होता है. और animal के साथ भी इसके association है. For example, on sloth bear. Clear है? The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial form like volvox and the filamentous form like lothrix and the spirogyra. Size और form की बात करें तो vary करती है. ये free living भी हो सकती है algae और colony बना के भी रह सकती है. Colony बना के रहता है volvox, ठीक है, जिसमें colony बनती है, daughter colony और parent colony. And the filament, filament की form में भी हो सकते हैं लंबे लंबे, ठीक है. उसका एग्जाम्पल लोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा. अ फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म सच एज स्कैल्प फॉर मैसिव प्लांट बॉडीज. कुछ मेराइन फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि जो साल्टी वाटर में होती हैं, फॉर एग्जाम्पल है कैल्प. ये मैसिव होती है, मतलब इसकी बॉडी का मास ज्यादा होता है. मतलब इनकी बॉडी क्या होती है, कुछ हद तक ब्रांच्ड होती है. मैं आपको दिखाती हूं. यस, देखिए व्हाट इज द हेडिंग. एल्गी पार्ट, एल्गी पार्ट. ये है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी. इसकी तीन क्लासिफिकेशन है, तीन ग्रुप है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. हम बात कर रहे थे वॉलवॉक्स के बारे में, लोथ्रिक्स के बारे में. ठीक है, देखो ये देखो वॉलवॉक्स कॉलोनी बनी हुई है ना, कॉलोनी बनी हुई. इसमें एक जो आपको ये डॉट दिखाई दे रही है, ये एक सेल है और ये पूरी कॉलोनी में रह रहा है. ये डॉटर कॉलोनी है, ये पेरेंट कॉलोनी है. अब ये देखो फिलामेंटस है, फिलामेंट लंबा लंबा, इसको बोलते हैं फिलामेंटस एल्गी. इसका एग्जांपल क्या था बेटा, इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा. नाउ द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. जब इसकी रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि अपने ही बॉडी पार्ट से. एसेक्सुअल करती है यानी कि स्पोर्स बना के, सेक्सुअली भी करती है गैमेट्स बना के. ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन. इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी पार्ट्स फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है. हर एक फ्रेगमेंट पेरेंट सेल का, जो हर एक फ्रेगमेंट है वो डॉटर सेल बना देता है. ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस. थैलस अभी बताया मैंने, अनडिफरेंशिएटेड मास होता है बॉडी का. मतलब अनडिफरेंशिएट का मतलब देर इज नो रूट, स्टेम एंड लीव्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स. मोस्ट कॉमन कौन से होते बेटा, जू स्पोर होते हैं. जू वर्ड आता है बेटा एनिमल से, एनिमल के लिए हम जू वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, जू स्पोर्स. ये जू स्पोर जो है फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, जिसमें क्या होगा फ्लैजिला, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट. और जर्मिनेट होके क्या बना देते हैं, नया प्लांट. क्योंकि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो मेल एंड फीमेल तो कुछ होगा नहीं, तो ये जू स्पोर्स ही क्या बनाएंगे, जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देंगे.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. दीज टू गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज. अगर दोनों के दोनों गैमेट क्या है, फ्लैजिलेटेड है और साइज में सेम है, तो उनको बोलेंगे आइसोगैमस. अगर दोनों के दोनों गैमेट साइज में डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे एनाइसोगैमस. फिर एक टर्म हमारे पास ओगैमस. ओगैमस में क्या होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, यानी कि मूव नहीं कर सकता, और जो मेल होता है वो स्मॉल होता है साइज में और क्या होता है आपका मोटाइल होता है. क्लियर है बात? ठीक है ना. देखो जैसे कि इलोथ्रिक्स के अंदर और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगायरा. इलोथ्रिक्स की बात करूं तो गैमेट फ्लैजिलेटेड होते हैं, साइज में सेम होते हैं, लेकिन स्पायरोगायरा के अंदर जो गैमेट्स हैं वो साइज में सेम होते हैं लेकिन दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं. इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं बेटा, आइसोगैमस. देन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोर्निया. यूडोरिना इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस. मतलब दोनों गैमेट साइज में डिसिमिलर हैं, एक छोटा तो दूसरा बड़ा है, एक बड़ा तो दूसरा छोटा है. ठीक है. फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म एज द ओगैमस. फॉर एग्जाम्पल वॉल्वोक्स एंड फ्यूकस. समझ में आया बेटा? क्लियर है? तो ये तीनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. ये जनरल इंट्रोडक्शन है, अभी तो इसकी जो क्लासिफिकेशन वो हुई नहीं है. तो जब भी मैं वर्ड यूज करूंगी आइसोगैमस एनाइसोगैमस ओगैमस तो आपको समझ में आना चाहिए. क्लियर है बेटे? अब नेक्स्ट आ जाओ. यस. एल्गी आर यूज्ड टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज. At least a half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by the algae through photosynthesis. Earth पे जो total carbon dioxide fix होता है, यानी कि fix का मतलब होता है उसको उसका food बनाया जाता है, उसका 50% जितना total होता है ना उसका 50% कौन करता है, algae. कैसे? Through photosynthesis. Clear है? Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. क्योंकि photosynthetic है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को किस में मिला देगा, पानी के अंदर. पानी के अंदर मिलाने के बाद क्या होगा बेटा, वो dissolved oxygen का level क्या बढ़ जाएगा, increase हो जाएगा. They are of paramount importance as primary producer of energy-rich compounds which form the basis of the food cycle of all aquatic animals. ठीक है, तो ये primary producer तो है, primary producer तो है बेटा ये, क्योंकि ये energy-rich compound बनाते हैं, food बनाते हैं, जो कि पानी में रहने वाले animals की food cycle का basis है. अगर उनको ही aquatic animal को food ही नहीं मिलेगा तो जो food chain है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. क्लियर है? नेक्स्ट, ये एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा. मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफाइरा लैमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड. समुद्र में 70 स्पीसीज के अराउंड ऐसी स्पीसीज है किसकी, पोरफाइरा लैमिनेरिया सार्गेसम, जिसको एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है. क्लियर है? Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, water holding substances, that is algin in brown algae and carnosine in the red algae, which are used commercially. अब कुछ marine form होती है brown algae की और red algae की. ये large amount में hydrocolloids क्या करते हैं बेटा, produce करते हैं. hydrocolloids मतलब ऐसा सब्सटेंस जो ज्यादा से ज्यादा वाटर को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है. क्लियर हुआ? तो ये कमर्शियली यूज किया जाता है. ब्राउन एल्गी के अंदर हो गया एल्जीन हाइड्रोकोलाइड, रेड एल्गी से बनता है कारजीन. कमर्शियली मतलब कोई भी अगर आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज पहुंचानी है जो ड्राई ना हो, तो हम इन सब्सटेंसेस में उसको रैप करके क्या कर सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो कमर्शियली इनका क्या होता है, यूज होता है.
Then agar, one of the commercial products obtained from the gelidium in Gracil area, are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. जो agar है, जो मैं gelidium of Gracil area से मिलता है, अभी आपको पता चल जाएगा कि gelidium Gracil area chlorophyce में आती है, phaeophyce में आती है या rhodophyce में आती है. लेकिन ये जरूर है, ठीक है, इनका यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में. जैसे अगार का ना, अगार प्लेट बनती है बेटा, उसमें माइक्रोब्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है. या फिर देखो, या फिर ये आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट है क्लोरेला, एक यूनिसेलुलर एल्गी यानी कि एक सेल की बनी हुई है, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स है. प्रोटीन है तो वो क्या होता है, एक फूड सप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, इवन बाय द स्पेस ट्रेवल, जो स्पेस में ट्रेवलर जाते हैं ना हमारे, वो एज अ फूड सप्लीमेंट किसको लेते हैं, क्लोरेला को लेते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन क्या होता है, बहुत रिच अमाउंट में होता है. नेक्स्ट, द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड ब्रूडोफाइसी. क्लोरोफाइसी मीन्स, क्लोरो मीन्स कलर, कैसा कलर, ग्रीन कलर. तो जितनी ग्रीन एल्गा है वो किस में आएंगी, क्लोरोफाइसी में. फियोफाइसी, फियो मीन्स ब्राउन, तो ब्राउन एल्गी किसके अंदर आएंगी. रोडो मीन्स रेड, तो रेड एल्गी किसके अंदर आएंगे बेटा, रोडोफाइसी के अंदर आएंगे. यस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी एक बार हम तीनों को पढ़ के, एक टेबल है बेटा एनसीईआरटी में, अगर वो टेबल आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो आप इजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे फ्रॉम दिस टॉपिक. क्लियर है? यस, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड द ग्रीन एल्गी. द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. प्लांट बॉडी एक सेल की भी बनी हो सकती है, कॉलोनी बना के भी रह सकती है, और उसकी बॉडी फिलामेंटस हो सकती है, ठीक है. दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी. ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि जो पिगमेंट डोमिनेंट करता है इनकी बॉडी में वो होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. द पिगमेंट्स आर क्लासिक आर लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट. आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है. उसी के अंदर क्या होते हैं बेटा, थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, डिस्क शेप के हो सकते, प्लेट शेप के हो सकते, रेटिकुलेट मतलब एक जाल बना हुआ हो सकता है, कप शेप के हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, रिबन शेप के हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है. द डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में क्लोरोप्लास्ट के जो शेप होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड द पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरेज बॉडी होती है बेटा, जिसको बोलते हैं पायरेनॉइड्स. क्या बोलते हैं बेटा, जिनको पायरेनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है. कुछ नहीं होता, इनका प्रोटीन का सेंटर होता है, उसके चारों तरफ लेयर होती है स्टार्च की. किसकी लेयर होती है, स्टार्च की लेयर होती है, ठीक है. पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है. बीच में एक प्रोटीन की क्या हो गई, डॉट हो गई, और उसके चारों तरफ लेयर होगी स्टार्च की, ठीक है. सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. मतलब कि कुछ स्पीसीज के अंदर तो जो फूड की स्टोरेज होती है वो पायरेनॉइड्स के फॉर्म में हो गई, कुछ में ऑयल ड्रॉपलेट्स. एंड ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज. बेटा ये जो दो तीन पॉइंट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए ना, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं आपको उनको दोबारा से एक बार बताना चाहती हूँ, ठीक है. मैंने अभी कहा कि जो मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी होती है ना, उसमें स्टोरेज बॉडी होती है, जो फूड को क्या करती है, स्टोर करके रखती है. अब हम किसकी बात करते हैं, कर रहे हैं क्लोरोफाइसी. किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं. तो इसके अंदर होती है स्टोरेज बॉडी पायरेनॉइड्स, पायरेनॉइड्स, ठीक है. पायरेनॉइड्स किसके अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. इसमें क्या होता है बेटा, किस चीज का बना होता है, प्रोटीन और स्टार्च का. किस चीज का बना होता है, प्रोटीन एंड स्टार्च का बना होता है पायरेनॉइड.
लेकिन कुछ ग्रीन एल्गी ऐसी होती है जिसमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, छोटी छोटी बूंदे किसकी, ऑयल की। क्लियर हुआ? दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो ग्रीन एल्गी होती है ना, रिजिड सेल वॉल तो होती है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो उसमें जो सेल वॉल होती है उसकी जो आउटर लेयर है वो बनी होती है पेक्टोज की, और इनर जो बनी होती है वो बनी होती है बेटा आपकी, आउटर जो, देखो आउटर जो होती है वो पेक्टोज की बनी होती है और इनर बनी हुई होती है बेटा सेलुलोज की, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया बेटा? अब आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो मैं समझा के ही मांगती हूँ। फिर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन से, यानी कि पेरेंट बॉडी का कोई भी एक फ्रेगमेंट है वो उनकी, उसके अंदर कैपेसिटी होती है पूरे के पूरे प्लांट को बनाने की, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर से। स्पोर किसके अंदर आएंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएंगे। दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर प्रोड्यूस इन द जूस स्पोरेंजिया। जूस स्पोर किसके अंदर बनेंगे? जूस स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे, ठीक है। और मान लो मेरे पास ये जूस स्पोर है जो कि फ्लैजिलेटेड है, दो फ्लैजिला है इसमें, ठीक है ना, और ये किसके अंदर बनते हैं? जूस स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसके अंदर? क्लोरोफाइसी के अंदर। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस। अभी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करके मैं अभी आई हूं। तो ये तीनों टाइप की क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप की जो रिप्रोडक्शन है ना वो देखी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ और मोर्फोलॉजी ऑफ द गैमेट्स, ठीक है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। तो ये क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते बेटा, फियोफाइसी। बड़ी इजी सी है बेटा ये तीनों, फियोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मेराइन हैबिटेट्स। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी को क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी कहते हैं, जो कि मोस्टली कौन से हैबिटेट में रहती है? मेराइन, यानी कि सॉल्टी वाटर में। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनका जो साइज और फॉर्म देखोगे ना उसमें वेरिएशन होती है। क्या होती है? उसमें वेरिएशन आपको मिलेगी, ठीक है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म और टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय द कैल्प्स। मैंने इंट्रोडक्टरी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताया था कि इतनी बड़ी भी होती है, जैसे कैल्प ब्रांच होती है, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है कैल्प्स आपकी, ठीक है। तो ब्रांच सिंपली ब्रांच हो सकती है ब्राउन एल्गी, फिलामेंटस फॉर्म में हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, या प्रोफ्यूजली ब्रांच हो सकती है जैसे कि कैल्प। क्लियर है ना? विच मे रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स, विच मे रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। कितनी मतलब कितनी लेंथ हो सकती है? 100 मीटर तक के भी ये एल्गी मिल सकती है। तो तभी इसने वर्ड यूज किया था, शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल। याद रखो बेटा, उसमें क्लोरोफिल ए और बी था, यहाँ पे है क्लोरोफिल ए, सी कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स, ठीक है। पिगमेंट ज्यादा है तो उनके कलर में वेरिएशन आएगी। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। तो शेड्स में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जेंथोफिल पिगमेंट भी है, फ्यूकोजेंथिन भी है, तो इसीलिए क्या शेड आ जाती है? ब्राउन की भी कई शेड आ जाती है, ओलिव ग्रीन से बहुत सारी शेड आती है ब्राउन की भी, ठीक है। देन फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फूड को स्टोर किया जाता है एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। पीछे क्या था? पायरेनोइड था, फिर ऑयल ड्रॉपलेट था। इसमें क्या है, किस चीज में
फूड स्टोर होता है आपका लेमिनेरिन और मैनिंटोन, क्लियर है. द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेल्युलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जी. तो इसकी जो कवरिंग होती है बेटा वो आउटसाइड जो बाहर वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है बेटा, एल्जिन. और मैंने अभी एक हाइड्रोक्लोराइड का नाम बताया था जिसका नाम था एल्जिन, तो ऑब्वियसली वो कहां से मिलेगा, हमें ब्राउन एल्गी से मिलेगा, ठीक है. अब इसमें क्या है, इसमें आप पूछोगे नहीं कि इनर आउटर बताइए, तो मैं बता देती हूं. फियोफाइसी के अंदर बेटा जो सेल वॉल होती है वो आउटर और इनर तो होती है, ठीक है. कैसी होती है, आउटर एंड इनर. तो इनर तो होती है सेलुलोज की बनी होती है और बाहर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम एल्ज, ठीक है. तो इस तरीके से आपको याद रखना है. यस, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस. इनकी अगर बॉडी की एनाटॉमी के यानी कि सेल के बारे में देखें तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लास्ट को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. उसके अंदर प्लास्टिड के अलावा एक चीज और होती है जो सेंटर में प्रेजेंट होती है, वो होता है वैक्यूल एंड न्यूक्लियस. अगर इसकी प्लांट बॉडी की बात करूं ना मैं, तो देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूं. अगर इसकी प्लांट बॉडी की बात करूं तो ये होता है होल्ड फास्ट जो कि सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है, होल्ड फास्ट, ठीक है. फिर एक क्या होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टाइप. क्या बोलते हैं बेटा, स्टाइप. और एक फिर ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसको बोलते हैं फ्रोंट. क्या बोलते हैं, फ्रोंट. तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है. अब देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या काम करता है. यस, द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रोंट. तो फ्रोंट क्या है, एक बड़ा सा पार्ट है जो कि एक लीफ की तरह है. क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गीज बाय बायफ्लैजिलेटेड जूस पोर. बायफ्लैजिलेटेड मतलब जिसमें दो फ्लैजिला होते हैं, और वो कैसे होंगे बेटा, पियर शेप के होते हैं. कैसे होते हैं, पियर शेप के होते हैं, ठीक है. एंड टू अनइक्वली लेटरल अटैच फ्लैजिला. तो इसकी शेप कैसी होती है बेटा, देखो ऐसे होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, पियर शेप की हो गई है, ठीक है. और क्या होता है, एक बड़ा फ्लैजिला होता है और एक छोटा फ्लैजिला होता है जो लेटरली अटैच होते हैं साइड से, ना कि ऊपर से. लास्ट वाले में मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था, एंटीरियरली प्रेजेंट फ्लैजिला थे. यहाँ पे क्या है, लिटरली प्रेजेंट फ्लैजिला है, ठीक है. एक एक टर्म को बड़े अच्छे से क्लियर करो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस तीनों टाइप से हो सकती है. यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वॉटर और विद इन द ओगोनियम, दैट इज द ओगैमस स्पीसीज. ओगोनियम क्या होता है बेटा, जिसके अंदर क्या बनता है आपका, फीमेल गैमेट बनता है, उसको बोलते हैं ओगोनियम, ठीक है. द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म पियर शेप के होते हैं. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेटा फियोफाइसी का, कि इसके जो गैमेट्स होते हैं पायरीफॉर्म होते हैं और दो लिटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं. इनके कॉमन फॉर्म है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस, क्लियर है. अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा रोडोफाइसी पे. रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी, क्लियर है. The members of rhodophyci are commonly called the red algae because of the predominance of the red pigment, that is the R phycoerythrin. Erythrin word हम कहाँ use करते थे, RBC के लिए use करते थे ना, वो कैसे color की होती थी, red color की, ठीक है. Majority of the red algae are marine with great concentrations found in the warmer areas, ठीक है. तो जो red algae की जो most of species होती है वो marine होती है, ठीक है. और उनकी ज्यादा अमाउंट मिलेगी वार्मर एरिया में, जहां पे गरम गरम सा थोड़ा पानी होगा, ठीक है. दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वॉटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशन वेयर रिलेटिवली लिटल लाइट पेनेट्रेट्स. तो ये दोनों जगह मिल सकती है, वॉटर के सर्फेस के पास भी मिल सकती है या फिर ग्रेट डेप्थ में भी हो सकती है, जहां पे लाइट कम जाती है, कम पहुंचती है. द रेड थैलाई और मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर. जो इसका थैलस होता है रेड एल्गी का, वो मल्टी सेलर होता है.
Some of them have complex body organization. The food is stored as Floridian starch. तो आगे ना पॉइंट हमारे पास Floridian starch की फॉर्मिंग का फूड स्टोर होता है जो कुछ कुछ बहुत ज्यादा सिमिलर होता है amylopectin एंड ग्लाइकोजन के structures. क्लियर है. द रेड एलगी यूजली प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन. दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल गैमेट्स. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी तो आपको आनी चाहिए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस. ओगैमस का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो फीमेल गैमेट होगा वो बड़ा होगा साइज में और नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट होगा वो साइज में छोटा होगा और क्या होगा, मोटाइल होगा. एंड अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. फर्टिलाइजेशन की बात, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी इसके अंदर देखी गई है. एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया, एंजिलीडियम. देखो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि आइसक्रीम में जेलीज में यूज होता है ग्रेसिलेरिया एंजिलीडियम. तो ये किसके मेंबर है बेटा, रोडोफाइसी के क्या है बेटा, ये मेंबर्स हैं. तो देखो यहाँ पे सारे दिखाए हुए हैं. ब्राउन एल्गी से लेमिनेरिया दिखाया गया. देखो ये लेमिनेरिया है. ये ऐसा कुछ डायग्राम मैंने बनाया था. ये होल्ड फास्ट है, ये स्टाइप है और ये फ्रोंड है. ये क्या है, फोटोसिंथेटिक लीफ है. ठीक है, ये देखो दूसरी जो है होल्ड फास्ट, ये क्या है, ब्रांच्ड हो गई. और ये देखो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, कितनी ब्रांच है, कैल्प जो मैंने आपको बोला था. डिस्क्रिप्शन में देखिए इसको मैंने क्या बोला था, कैल्प बोला था. वन सेकेंड, देखो फ्यूकस एंड डिक्टियोटा. ब्राउन एल्गी में पहला डायग्राम है लेमिनेरिया का, दूसरा फ्यूकस का और तीसरा डिक्टियोटा का. और रेड एल्गी में ये क्या है, पोरफाइरा है और ये क्या है, पॉलीसाइफोनिया. ठीक है, देखो जिसकी ब्रांचेस भी आपको दिख रही है. सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड एंड कैन मेक डिफरेंस बिटवीन द थ्री. अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके डिफरेंसेस पे, जो एनसीआर ने बहुत अच्छी सी एक टेबल दी हुई है जिसको पढ़ के आप हर एक चीज को क्लियर कर सकते हो. Where is the table? Yes, here it is. So classes, ये क्या है, इसकी classes है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी का कॉमन नाम है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का है ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी का है रेड एल्गी. पिगमेंट क्या होते हैं, मेजर इसमें क्लोरोफिल ए बी होते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए सी फिकोजेंथिन होते हैं, इसके लिए अंदर क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोइराइथ्रिन होते हैं. इसमें स्टार्च की फॉर्म में, पायरेनॉइड की फॉर्म में स्टोर होता है. इसमें क्या है, मैनिंटोल एंड लेमिनेरिया और इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च. इसमें सेल्युलोज, जो सेलवॉल बनी होती है सेल्युलोज की, इसमें सेल्युलोज एंड एल्जिन की, इसमें सेल्युलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की. फ्लैजिला का नंबर, ओपोजिशन ऑफ इंसर्शन, 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं और बिल्कुल एंटीरियर पार्ट में लगे होते हैं ऐसे और इक्वल होते हैं. इसमें 2 होते हैं अनइक्वल होते हैं और लेटरल, उसमें ऐसे क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल पोजीशन पे लगे होते हैं और इसमें क्या होते हैं, एब्सेंटी होती हैं. ये जो क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, ब्रैकिश वाटर में और सोल्ट. ब्रैकिश वाटर कौन सा, जहां पर भी फ्रेश वाटर भी मिलता है और सोल्ट वाटर भी मिलता है. और फियोफाइसी के मेंबर्स मिलते हैं फ्रेश वाटर में रेयरली, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे या फिर सोल्ट वाटर में मोस्टली मिलेंगे. रोडोफाइसी के जो है फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर या सॉल्टी वाटर में मोस्ट ऑफ स्पीसीज मिलती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्गी पार्ट. ठीक है, जिसकी 3 क्लासेस थी, क्लोरोफाइसी, फियोसोफाइसी एंड रोडोफाइसी. बहुत सारी चीजें तो इस टेबल को देखने के बाद ही आपको क्लियर हो जाएंगी, कि आपके पास इनफ डेटा होगा एग्जामिनेशन में लिखने का. ठीक है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ती रहिए बेटा, एंड कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग.